हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गायत्री क्रिएशन। मैं कोमल आज आपके लिए सादी सिंपल सलवार कटिंग लेके आई हूँ। ये सलवार बिना बेल्ट की होती है और ये सलवार स्पेशली बुज़ुर्ग महिलाओं को बहुत पसंद आती है, उन्हें बेल्ट वाली सलवार सूट नहीं करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। यहाँ पर मैं 2.5 मीटर कपड़ा ले रही हूँ और ये सबसे पहले मैं इसे अच्छे से खोलने के बाद डबल फोल्ड इसे बिछा लूँगी। देखिए यहाँ पर मेरा डबल फोल्ड कपड़ा है और इसे अच्छे से हम सबसे पहले बिछा लेंगे। कपड़े को अच्छे से बिछाने के बाद अब हम सबसे पहले इसकी लंबाई लेंगे। लंबाई यहाँ मेरी 36 इंच रेडी है और उसमें हम 2.5 इंच ऐड करेंगे अपनी सिलाई मार्जिन के लिए। तो यहाँ मैंने ले ली है 38.5 लेंथ का मार्क। लेने के बाद अब हम इसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद यहाँ से ये मेरा कपड़ा चारों तरफ से ओपन हो गया है और अब हम यहाँ पर अपनी बॉटम का मेजरमेंट करेंगे। बॉटम हमने ली है 6 इंच। मुझे अपनी टोटल बॉटम 7 इंच रेडी करनी है तो हम यहाँ पर 1 इंच माइनस करते हुए अपना बॉटम ले लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 6 इंच की बॉटम ली है और इसे हम 2 कली वाली बनाने वाले हैं। अगर आप इसे 4 कली वाली बनाना चाहे तो आप जितना कपड़ा हमने बॉटम का फोल्ड किया है इसे एज इट इज़ कट भी कर सकते हैं। कट करने के बाद आप दोनों कलियाँ इस पर जोड़ सकते हैं अपने घोड़ों पे, इसको हम घोड़े भी बोलते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं 2.5 इंच मार्क ले रही हूँ अपने बॉटम से लगते हुए, क्योंकि हमारा 1.5 इंच सिलाई मार्जिन में चला जाएगा और 1 इंच हम अपने बॉटम में ऐड कर लेंगे क्योंकि हमें 7 इंच के अपने बॉटम चाहिए। तो यहाँ पर मैं 9.5 इंच पर एक मार्क लगा रही हूँ क्योंकि टोटल हमारा 9.5 इंच ही हो गया है हमारे बॉटम से लगते हुए। और अब मैं एक मार्क अब इसके ऑपोजिट साइड लगा लूँगी किनारी पर 2.5 इंच का और इसे हम तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तिरछी लाइन ड्रॉ करने के बाद हम अपने आसन के मार्क लेंगे यानी क्रॉच एरिया, उसके लिए हम 16 इंच पर मार्क लगाएंगे। देखिए जो हमारी तिरछी लाइन है उसके इस साइड से हम एडजस्ट करते हुए जहाँ तक हमारा 16 इंच आएगा वहाँ तक ले लेंगे एक मार्क और जस्ट इसके अपोजिट साइड हम एक मार्क लेंगे, ये भी हम 16 इंच लेंगे। अब हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये स्ट्रेट लाइन हम इसलिए ड्रॉ कर रहे हैं कि हमें काटने की ज़रूरत ना पड़े। अगर हमें 4 कली वाली बनानी है हम बिना काटे भी इसे सिलाई लगा सकते हैं और अगर आप इसे काटकर सिलाई लगाना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। अब मैं इसे कट कर लूँगी। ये बीच में मेरा वेस्ट कपड़ा है इसे हम हटा देंगे। तो इसे हटाने के बाद ये हमारी सलवार हमें मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करें। यहाँ हम नोट इसलिए लगा रहे हैं अगर हमें सिलाई लगानी हो तो इसे हम सिलाई लगाकर 4 कली वाली कर सकते हैं, नहीं तो ये 2 कली की भी बन जाती है। मेरी सलवार रेडी है कट कर। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।